1948 ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी इंडियन फुटबॉल टीम जीत का परचम नहीं लहरा पाती है और ओलंपिक्स से बाहर होना पड़ता है। 1948 ओलंपिक्स में इंडियन फुटबॉल टीम ने फ्रांस के अगेंस्ट जो टॉप क्वालिटी फुटबॉल शो किया था उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप उसे इजीली देख सकें। तो 1948 की हार के बाद और 4 साल के लंबे इंतजार के बाद इंडियन फुटबॉल टीम एक बार फिर जीत की उम्मीद लिए 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करती है। साइलेन मन्ना की लीडरशिप के साथ इंडियन फुटबॉल टीम मैदान में उतरती है और इंडिया का मैच होता है युगोस्लाविया के साथ। ये मैच इंडिया के लिए यादगार बन जाता है पर एक नकारात्मक तरीके से। इंडिया ये मैच 10-1 से हारता है जो कि इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री में अभी तक की सबसे बड़ी हार में से एक है। एज एन इंडियन आपको ये सुन के बुरा लगा होगा पर युगोस्लाविया की टीम के बारे में सुनने के बाद शायद आपको थोड़ा कम बुरा लगे। टीम के बारे में जानने से पहले युगोस्लाविया के बारे में जान के थोड़ी जनरल नॉलेज ही बढ़ा ली जाए। तो 1918 में जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ तब युगोस्लाविया एग्जिस्टेंस में आया और तब इसका नाम युगोस्लाविया था भी नहीं बल्कि 1929 में इसका नाम युगोस्लाविया पड़ा और प्रेजेंट में युगोस्लाविया है ही नहीं बल्कि इसके टुकड़े हो गए। ये 7 अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो चुका है। अगर ये जनरल नॉलेज पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाए ताकि मुझे पता रहे कि आने वाले वीडियोज में ऐसी जनरल नॉलेज ऐड करनी है या नहीं करनी। तो अब हम बात करते हैं युगोस्लाविया की टीम के बारे में। इस टीम में क्रोएशिया के सबसे महान कहे जाने वाले फुटबॉलर बर्नार्ड वेकेस इन्होंने 10 में से 2 गोल करे और इन्हें 20वीं सदी का सबसे महान क्रोएशियन एथलीट कहा जाता है। युगोस्लाविया की तरफ से 4 गोल करने वाले ब्रेनेस्लेव जेबैक एक अच्छे प्लेयर तो थे ही साथ ही इन्होंने बैन मिनिक का कोच रहते हुए बुंदेसलीगा का टाइटल भी जीता। रेड स्टार बेलग्रेड के लेजेंड रास्को मितिक जिनके नाम पे सर्बिया में स्टेडियम भी है इन्होंने 2 गोल मारे और बाकी के 2 गोल तिहोमिर ऑक्सेनोव ने मारे। इंडिया के लिए इकलौता गोल अहमद खान ने 89th मिनट में मारा। मतलब फाइटिंग स्पिरिट तो भरपूर था हमारी टीम में भी। कोच सैयद अब्दुल रहीम और कैप्टन समर बैनर्जी की अगुवाई में इंडियन फुटबॉल टीम ने इतिहास रचा और 1956 ओलंपिक्स को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। नहीं, नकारात्मक तरीके से नहीं बल्कि सकारात्मक तरीके से। इंडिया का पहला मैच हंगरी से था और 4 साल पहले जो ओलंपिक्स हुए थे उसका गोल्ड मेडल हंगरी ने ही जीता था। लेजेंडरी प्लेयर्स से हंगरी में जैसे फेरेनेक पुस्कास सिंदोर क्वाइसिस और हंगरी इस बार का ओलंपिक फेवरेट्स भी था गोल्ड के लिए पर हंगरी को ओलंपिक से विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि हंगरी में रिवॉल्यूशन शुरू हो गया जिसके चलते हंगरी की टीम ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया और इंडिया को पहले राउंड में बाय मिली और इसी के साथ इंडिया क्वार्टर फाइनल में जगह बना लेता है। अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है और ऑस्ट्रेलिया के पास होम एडवांटेज के साथ साथ बहुत सारा ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है। इंडियन प्लेयर्स ना सिर्फ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को बल्कि उनके ओवर कॉन्फिडेंस को भी स्मूथली टैकल करते हैं। पीके बैनर्जी फ्लैंक्स पे खेलते हुए ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की नाक में दम कर देते हैं और इस मैच में नेविल डिसूजा इंडिया के लिए हैट्रिक स्कोर करते हैं और इससे वो एशिया के पहले प्लेयर बन जाते हैं जिसने ओलंपिक्स में हैट्रिक स्कोर करी हो। कृष्ण गिट्टू इंडिया के लिए 4th गोल स्कोर करते हैं। मैच खत्म होने पर स्कोर होता है 4-2 का इंडिया के फेवर में। ऑस्ट्रेलिया को हराने के बावजूद इंडियन प्लेयर्स इन्फ्लेटेड ऑस्ट्रेलियन ईगो को टेम करने में नाकाम रहते हैं और शायद इसीलिए ऑस्ट्रेलिया रीमैच की मांग करता है क्योंकि उनका कहना होता है कि इंडिया वॉन बाय फ्लूक। अब तुक्के से जीता हो या स्किल से, ओलंपिक्स का मैच है, कोई गली फुटबॉल तो है नहीं कि जब तक जीत नहीं जाते तब तक रीमैच करते रहो। लेकिन इंडिया वालों को फिर थोड़ी दया आ गई कि यार ऐसे पराया देश में जाके ठेस पहुंचाना अच्छी बात नहीं, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वालों से कहा कि तुम भी क्या याद रखोगे, आ जाना ओलंपिक्स के बाद रीमैच करेंगे। ऑस्ट्रेलिया को एक और मौका मिला ईगो सेटिस्फाई करने का और इस तरह इंडिया सेमीफाइनल की ओर बढ़ा और अब इंडियन फुटबॉल टीम को फेस करना था युगोस्लाविया को। याद है ना युगोस्लाविया जिन्होंने इंडिया को पिछले ओलंपिक्स में 10-1 से हराया था। तो इंडिया और युगोस्लाविया का मैच शुरू होता है और पहले हाफ में दोनों ही टीम गोल करने में नाकाम रहती है। सेकेंड हाफ के 52nd मिनट में नेविल डिसूजा इंडिया को लीड दिला देते हैं पर इंडिया की लीड बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती और अगले 15 मिनट में युगोस्लाविया एक के बाद एक 3 गोल स्कोर करता है। 78th मिनट में मोहम्मद सलाम ओन गोल कर बैठते हैं और ये मैच 4-1 के स्कोर के साथ युगोस्लाविया के फेवर में ख़त्म होता है। पर इंडियन टीम की परफॉर्मेंस युगोस्लाविया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट काफ़ी अच्छी थी और इसीलिए फीफा के प्रेसिडेंट सर स्टैनली रॉस इंडियन ड्रेसिंग रूम में आके प्लेयर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करने से खुद को रोक नहीं पाए और अगला मैच इंडिया का बुल्गारिया से था 3rd प्लेस के लिए। इंडिया मैच 3-0 से हार जाती है और 1956 ओलंपिक्स में
फोर्थ प्लेस पे फिनिश करती है। ये परफॉर्मेंस इंडिया की ना सिर्फ ओलंपिक्स में बल्कि किसी भी मेजर ग्लोबल इंटरनेशनल टूर्नामेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस रहती है। इंडिया एशिया की पहली ऐसी कंट्री बनती है जिसने ओलंपिक्स में टॉप फोर में जगह बनाई और नेविल डिसूजा टूर्नामेंट के जॉइंट टॉप स्कोरर रहते हैं 4 गोल्स के साथ। ओलंपिक्स तो खत्म हो जाता है पर ऑस्ट्रेलिया से रिमैच अभी भी बचा होता है। इंडियन टीम इस बार कोई कमी नहीं छोड़ती ताकि ऑस्ट्रेलिया को गलती से भी ये ना लगे कि इंडिया तुक्के से जीता है। नेविल डिसूजा 2 गोल स्कोर करता है इस रीमैच में और इंडिया ये मैच 7-1 के स्कोर से जीत जाता है। इंडिया की ओलंपिक जर्नी अभी भी खत्म नहीं हुई है, आगे की जर्नी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशंस भी ज़रूर से ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको खबर मिल जाए उसकी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।